पेड़ मैनेजर लूटाया, मार मारी लूट ने अंजाम। आ घटना गत सप्टेम्बर मास नी छे। हॉस्पिटल मा सारवार लई रहेला आ बन्ने मैनेजर छे। आ बन्ने मैनेजर पर जीवलेण हुमलो करवामां आव्यो छे। आ बन्ने मित्रो रातना अंधकारमां एकांत रस्तेथी पसार थई रह्या हता, त्यारे रस्तामां तेने रोकी लाकडाना फटका अने हथियार वडे हुमलो कर्यो हतो। आ हुमलानी घटनामां आ बन्ने मैनेजरने इजा पहोंची हती। आथी जाणीती कंपनीना मैनेजर पर हुमलो अने लूटनी घटनानी फरियाद नोंधाता वापी टाउन पोलीस दौड़ती थई हती अने मैनेजरोने ढोर मार मारी लूंट चलावनार गैंगने झड़पवा माटे पोलीसे तमाम दिशामां तपास तेज करी हती। वहाँ एक मेरेल कंपनी है, जस्ट उसके आगे तबेला, वहाँ पहुँचे तो वहाँ से चार पांच आदमी लाठी लेकर खड़े थे, उन्होंने मारना चालू किया। उसके बाद मारने के बाद हम लोग रोड पर गिरे, गिरने के बाद वो मोबाइल पैसे वैसे सब छीन लिए। कितने लोग थे? चार से पांच लोग थे। क्या लगता है, कोई दुश्मनी हो या फिर? तो ये कोई डाउटफुल नहीं बता सकते, दुश्मनी है या लूट मार करने के लिए आए कि दुश्मनी अपन नहीं बता सकते। क्या क्या ले? मैनेजर ना दुश्मन झड़पाया, जान भेदुए दगो दीधो। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ चारे शख्स पर एक नजर करो। आ चारे मैनेजर ना दुश्मन छे। आ कोई रीढ़ा गुनेगार नथी, परंतु बदलानी आग मां जीवता एवा लोको छे के नानी बात मां न करी नाखवानु करी नाख्यु छे। आरोपी नंबर एक शाहिद खान, आरोपी नंबर बे हरीश, आरोपी नंबर त्रण मुकेश, आरोपी नंबर चार शशिकांत पटेल। आचार्य वेल्सपन कंपनी में नौकरी करे छे। तेनी साथे हॉस्पिटल में सारवार लई रहेल आ बन्ने मैनेजर पण नौकरी करे छे। ज्यारे आ बन्ने मैनेजरे आचार्य कर्मचारी ने ठपको आप्यो हतो अने काम करवानी सलाह आपी हती, परंतु आचार्य शख्स ने सलाह न गमी अने मैनेजर ने पाठ भणावानु नक्की कर्यु। आचार्य शख्सो जाणता हता के मैनेजर रात्रे बाइक लईने घरे जाय छे, त्यारे रस्तामां तेरे आतरी तेनी पासे जे काई हशे ते लूटी लईशु अने मार मारशु। એ ત્યાં વલ્સપન કંપનીમાં જ એક કામ કરતો હતો અને જે આ ફરિયાદી છે એ એના સુપરવાઇઝર હતા, એટલે ત્યારે એને એવું વારંવાર કહેતા કે તું ભાઈ સરખું કામ નહીં કરતો, તને કામમાંથી કાઢી મૂકશો, એટલે એ રીસ રાખી અને આ એને આ કૃત્ય કરેલું હોય એવું હાથ જણાઈ રહ્યું છે। આમ કંપનીમાં કામ કરતા મેનેજરો કામદારોને શીખ અને ઠપકો આપવાનું ભારે પડ્યું હતું। પ્રાથમિક રીતે આ કોઈ પ્રોફેશનલ લૂંટારુ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું, પરંતુ પોલીસ તપાસમાં આખરે આ કામદારોનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે અને હાલ આ તમામને જેલના સળિયા ગણવાનો વારો આવ્યો છે। ત્યારે એક નાનકડા ગુસ્સા પર કાબુ ન રાખનારા આ યુવાનોને હવે પસ્તાવો કરવા સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી। માનવ ઠાકોર, વીટીવી ન્યૂઝ, વાપી।